हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लाज्मोडियम वाइव एक्स टाइप स्टडी को डिस्कस करेंगे फर्स्ट हमने क्रैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं फाइलम प्रोटोजोन्स के तो प्रोटोजोन की जो टाइप स्टडी होगी वो होती है प्लाज्मोडियम वाइव एक्स प्लाज्मोडियम वाइव जो होता है इसको मलेरियल पैरासाइट भी बोला जाता है जो कि मलेरिया कोज करता है डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉजमोपोलाइटिन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हर जगह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सारी की सारी जगह पे इसके अलावा वाइड स्प्रेड होता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज के अंदर मलेरिया वहाँ पे वाइड स्प्रेड होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है हैबिटेट की अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे हैबिटेट करता है तो ये क्या करेगा एंडोपैरासाइट होता है एंडोपैरासाइट एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी इन पैरासाइट क्या करेगा किसी भी होस्ट के ऊपर लिव करेगा या फिर हैबिटेट करेगा तो ये एंडोपैरासाइट होता है फाउंड इन ब्लड ऑफ मैन जो मैन होता है उसके ब्लड के अंदर या फिर इंट्रा सेलर इन आरबीसीज आर के अंदर एंड पैरनकाइमल सेल्स ऑफ द लीवर एंड इन द एलिमेंट्री कैनाल इसके अलावा जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल एनोफ्लीज़ मॉस्किटो की जिसके थ्रू ये जो कैरियर होता है यहाँ जो मलेरियल पैरासाइट का उसकी जो सेलेवरी ग्लैंड होती है उनको भी क्या करेगा ये उसके वहाँ पे भी ये हैबिटेट करेगा नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की लाइफ साइकिल जो है इसकी डाई जेनेटिक होती है डाई मीन्स दो होगी और जेनेटिक यानी कि दो यहाँ पे क्या होंगे होस्ट प्रेजेंट होंगे तो इन दो होस्ट में से फर्स्ट को बोलते हैं प्रीमेटिव होस्ट जो कि मैन होगा यहाँ पे जिसके अंदर जो प्रीमेटिव होस्ट है उसको प्राइमरी और डेफिनेटिव और प्रिंसिपल होस्ट भी बोलते हैं तो उसके अंदर क्या होगी बेसिकली यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल होती है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड सेकंड होता है सेकेंडरी होस्ट जो कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है जो कि इंटरमीडिएट या फिर वैक्टर होस्ट इसको हम बोलते हैं तो ऐसे करके दो होस्ट यहाँ पे इंक्लूड हुए इसलिए इसको हमने बोला है डाई लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल के अंदर ट्राई होती है ये ट्राई का मीनिंग है तीन फेज आएंगे फर्स्ट फेज होगा यहाँ पे स्काइजोगोनी स्काइजोगोनी होगा सेकेंड फेज होगा गेमिटोगोनी एंड थर्ड फेज होगा स्पोरोगोनी इनको वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट इज स्काइजोगोनी जो होती है ए साइकिल इन मैन या फिर स्काइजोगोनी इन मैन स्काइजोगोनी के अंदर क्या होगा दो फेजेस आएंगे फर्दर फर्स्ट है इर एग्जो इरिथ्रोसिटिक और हिपेटिक स्काइजोगोनी हिपेटिक वर्ड लीवर के लिए आता है तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा सेकेंड होगा इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी यानी इरिथ्रोसाइड्स या फिर आरबीसी जो होंगी उनको इन्वेड करेगा तो हम दो स्टेप्स के अंदर स्काइजोगोनी को डिस्कस करेंगे फर्स्ट है एक्जो इरिथ्रोस जो इरिथ्रोसिटिक को या फिर हिपेटिक्स काइजोगोनी को डिस्कस करेंगे इसके बाद यहाँ पे ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है एक ट्रोफोजोइट को बोलते हैं अडल्ट फेज़ ऑफ प्लाज्मोडियम जो प्लाज्मोडियम का अडल्ट फेज़ होता है वो ट्रोफोजोइट होता है इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अडल्ट जो फेज होता है या फिर अडल्ट जो होता है प्लाज्मोडियम का वो क्या होता है तो वो होता है ट्रोफोजोइट इसके बाद इट अकर्स इन आरबिसज ऑफ मैन बट बिफोर इन्वेडिंग द आरबिस पैरासाइट इन्वेड लीवर सेल्स हमने यही बोला है कि पहले हम एक्जो इरिथ्रोसिटिक और हिपेटिक स्काइजोगोनी पढ़ेंगे क्योंकि ये पहले क्या करेगा स्काइजोगोनी के अंदर जो लीवर सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेगा आरबीसीज बाद में हो गई हैं इन्फेक्ट एंड अंडर गोज एक्सटेंसिव ए सेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं स्काईजोगोनी तो जो फर्स्ट फेज है एक्सो इरिथ्रोसिटिक और हिपेटिक इसके अंदर क्या क्या होगा इसके अंदर फर्स्ट होता है ह्यूमन इनोकुलेशन और इन्फेक्शन यानी कि ह्यूमन के अंदर एंटर कैसे करेगी जो भी आ, फेज जो भी हमारा एनोफ्लिज मोस्किटो है वो अपना जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कैसे इन्फेक्ट करवाएगी या फिर कैसे उसके अंदर ट्रांसफ़र करेगी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट तो अडल्ट फेज थी ट्रोफोजोइट और जो पैरासिटिक फॉर्म है वो है स्पोरोजोइट अब ह्यूमन इनोकुलेशन या फिर ह्यूमन इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा जैसे कोई भी हेल्दी पर्सन है उसको क्या करेगी फ़ीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो होती है वो बाइट करेगी अगर अगर वो बाइट करती है अगर वो उसके अंदर पहले से इन्फेक्शन है उसके अंदर जो स्पोरोजोइट फॉर्म है फॉर्म है अगर वो पहले से प्रेजेंट है तभी वो क्या कर सकती है जब वो उसमें से ब्लड सक करेगी तो अपनी जो वो स्टेज है उस जो स्पोरोजोइट्स है ब्लड के थ्रू एंटीकोगुलेंट जब वो इंसर्ट करेगी तो उस टाइम पे क्या करेंगी साथ में क्या हो जाएगा वहाँ पे स्पोरोजोइट्स भी ह्यूमन ब्लड के अंदर चले जाएंगे तो कोई भी फीमेल एनिफिलीज मॉस्किटो है वो किसी ह्यूमन बींग के ऊपर यहाँ पे बाइट कर रही है बाइट कैसे करती है ये बाइट करने के लिए इसके पास प्रेजेंट होते हैं पायरसिंग और सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स पायरसिंग होगी यानी कि वो पायर्स करेगी पहले पंक्चर करेगी फिर सक करेगी तो ऐसे टाइप के इसके अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं और ये बेसिकली जो नाइट टाइम का ड्यूरेशन होता है उस पे ही पर क्या करती है ह्यूमन को बाइट करती है या फिर सकिंग करती है पायरसिंग करती है उसी टाइम पे पंक्चर्स करेगी तो पहले क्या करेगी ये जो फीमेल मॉस्किटो है वो अपने इसके पास प्रेजेंट है ऐसे टाइप के माउथ पार्ट जिसको हमने बोला है पायरसिंग और सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स इसके अंदर एक प्रोबॉक्सिस प्रेजेंट होती है एक लॉन्ग बीच में जो नजर आ रही है वो क्या है प्रोबॉक्सिस है अब ये क्या करेगी सबसे फर्स्ट पंक्चर करेगी होस स्किन के अंदर हॉस स्किन के अंदर इसने पंक्चर किया पंक्चर करने के बाद कुछ स्लाइवा जो है उस वाउंड के अंदर से इंसर्ट करेगी और वो स्लाइवा जो होगा उसके अंदर प्रेजेंट होती है कुछ एंटीकोगुलेंट्स होंगे एंटीकोगुलेंट्स क्या करेंगे जो भी ब्लड होगा ह्यूमन का उसको ये क्लोट नहीं होने देगी उसको एंटी क्लोट एंटी क्लोटिंग फैक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर बेसिकली इंक्लूड होते हैं हैंपरिन सल्फेट या फिर कॉन्ड्रोटिन सल्फेट यहाँ पे ये इंसल्ट कर देगी फीमेल मॉस्किटो क्लोटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी तो क्लोटिंग नहीं होगी तो फीमेल जो ये मॉस्किटो है वो ईजिली ब्लड को सक कर सकती है अपने अंदर तो जब ये इसने क्या किया है स्लाइवा अपना इंसर्ट किया ह्यूमन के अंदर तो जब ये स्लाइवा इंसर्ट कर रही थी उस टाइम पे जो इन्फेक्टिव स्टेज थी जिसको बोला था स्पोरोजोइट वो भी क्या हो जाएंगे ह्यूमन ब्लड के अंदर आ जाएंगे तो ह्यूमन का ह्यूमन के अंदर क्या है स्पोरोजोइट या फिर इन्फेक्टिव स्टेज एंटर कर स, चुकी है जिसको हमने बोला है ह्यूमन इनोक्युलेशन और इन्फेक्शन तो ऐसे करके इन्फेक्शन होता है इसके बाद जो एंटीगोगलेंट्स की हमने बात कर ली इसके बाद क्या होगा जो स्पोरोजोइट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा स्पोरोजोइट का स्ट्रक्चर ऐसे स्पिंडल शेप होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्पोरोजोइट का स्पिंडल शेप होता है स्लाइटली ऐसे कवर्ड होता है या फिर सिक्कल शेप होता है सिक्कल शेप भी ऐसे ही होती है एस शेप सा तो ये क्या है सिक्कल शेप या फिर स्लाइटली कवर्ड या फिर स्पिंडल शेप होता है जो एंड साइंस के दोनों के दोनों एंड क्या होते हैं टेपरिंग एंड होते हैं तो इसके uh, कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्पिंडर शेप स्लाइटली कवर्ड होता है सिकल शेप होता है टेपरिंग होता है दोनों के दोनों एंड्स के ऊपर यूनि न्यूक्लियट ऑर्गेनिज्म होता है एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होगा कवर्ड बाय इलास्टिक पेलिकल इलास्टिक पैलिकल यहाँ पे एक कवरिंग होगी जो कि इसको तो कवर करेगी और इसके अंदर कंटेन होते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल फॉर इट्स रिंगलिंग मोमेंट जो इसको ब्लड के अंदर जाने के बाद रिंगलिंग मोवमेंट करनी है तो उसके अंदर ये क्या करेंगी हेल्प करेगी जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे इसके बाद जो इसका एंटीरियर एंड है एंटीरियर एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट है फोलोड बाय एन एपिकल कैप ये एपिकल कैप यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे ये एपिकल कैप प्रेजेंट है तो इस एपिकल जिस साइड एपिकल कैप प्रेजेंट होगी वो इसका क्या होगा इंटीरियर एंड होगा और वहां पे माइक्रोपाइल भी प्रेजेंट होगी इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे एक पेयर प्रेजेंट होगा लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिक्रिटरी ऑर्गेनल ओपन इन दिस कैप कुछ यहाँ पे पेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे ये पेयड ऑर्गेनल क्या करेंगे इसकेप के अंदर ओपन होंगे जो कि माइक्रोपाइल है उसके अंदर फाइनली ये ओपन हो जाएंगे और ये सिक्रेटरी ऑर्गेनल होते हैं यानी कुछ ना कुछ यहाँ से सिक्रेट करेंगे इसके बाद सिंगल वेसिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लोलस ये न्यूक्लियस यहाँ पे एक सेंट्री लोकेटेड प्रेजेंट होता है वैसिकुलर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर अंदर न्यूक्लोलस प्रेजेंट होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ट्यूबुलर क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टे प्रेजेंट होंगे स्कैटर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है और जो माइक्रोपाइल है जो एपिकल कैप जिस साइड प्रेजेंट है जो माइक्रोपाइल है उसको सपोज किया जाता है कि ये साइटोस्ट्रोम जो होता है प्रोटोजोन का वो रिप्रेजेंट करती है साइटोस्ट्रोम साइटोस्ट्रोम क्या होगा स्ट्रोम माउथ के लिए वर्ड आता है तो ये क्या करेगी